डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट प्लस टू बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट पार्ट सिक्स. इन दिस लेक्चर वी कवर अबाउट एजेंट्स फॉर ए पोलिनेशन, अडेप्टेशन फॉर ए वाटर पोलिनेशन. प्लांट में क्या अडेप्टेशन होगी वो वाटर पोलिनेशन कर सके. इंसेक्ट पोलिनेशंस और आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. पोलिनेशन के बारे में हम कल बता चुके हैं क्या पोलिनेशन होता है, क्या टाइप्स होता है. आज हम पोलिनेशन के एजेंट के बारे में स्टडी करेंगे. एजेंट्स ऑफ ए पोलिनेशंस, जो एजेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. देखिए, एजेंट्स ऑफ ए पोलिनेशन जो आपका पहला टॉपिक है. देखिए, पोलिनेशन के जो एजेंट्स हैं वो आप ये भी समझ सकते हो सिंपल शब्दों में, वाइंड से भी पोलिनेशन होता है. ठीक है, दो प्रकार के एजेंट हो गए बेटा, एक बायोटिक और ए बायोटिक. हम यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख रहे हैं ए बायोटिक. वाटर पोलिनेशन होता है, ये ए बायोटिक फैक्टर हैं. अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा बायोटिक, बायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स के अंदर हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे बर्ड से होता है. ठीक है, बर्ड से आपका लिविंग मैमल से होता है, रेप्टाइल से होता है. ठीक है, पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है स्टूडेंट, इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है. ठीक है, नंबर थ्री हम बताएं तो मैमल से होता है, मैमल से होता है, रेप्टाइल से होता है, रेप्टाइल से होता है. ठीक है, ये आपके बायोटिक एजेंट्स हैं. बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये जितने भी सारे एनिमल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, वाटर पोलिनेशन होता है आपका, वाइंड पोलिनेशन होता है. तो ये आपके ए बायोटिक फैक्टर हैं, ए बायोटिक एजेंट्स हैं. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. देखिए, मैं एक बार थोड़ा टेक्निकल टर्म लिखता हूँ. यदि वाइंड से पोलिनेशन होता है, भाई पोलिनेशन में तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा ही होगा. एंथर से निकलेगा, स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ओके, ये पोलिनेशन है हमारा, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होना है. लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ कि वाटर पोलिनेशन को हम क्या टेक्निकल टर्म से जानते हैं. वाटर पोलिनेशन को स्टूडेंट हम हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली फिली. ओके, यहाँ पर हमने एक टेक्निकल टर्म को बोल दिया कि हाइड्रोफिली, वाटर पोलिनेशन. ऐसे ही वाइंड पोलिनेशन होता है स्टूडेंट, वाइंड पोलिनेशन को हम एनीमोफिली कहते हैं. दिस इज ए वाइंड पोलिनेशन. पहले हम वाटर पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद में वाइंड पोलिनेशन. भाई वाटर पोलिनेशन किस में होता है, वाइंड पोलिनेशन किस प्लांट में होता है. देखिए, हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पोलिनेशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट नोट कर लीजिए. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, इन जो अभी आपके ये प्लांट हैं इनमें वाटर पोलिनेशन होता है. ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर जो स्पेसिफिक एग्जांपल आपके दे रखे हैं इसमें, वेलिसनेरिया, सीग्रासिस, जोस्टेरा, ये ऐसे प्लांट हैं जिनका वाटर पोलिनेशन आपको बता भी रखा है कि किस प्रकार से होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रायो एल्गी, टेरिडोफाइट. ठीक है, टेरिडोफाइट्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनमें यहाँ पर आपका वाटर पोलिनेशन होता है. टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ये ऐसे आपके किंगडम हैं. वैसे प्लांट को हमने पता है कि पांच भागों में बांट रखा है विटकर की क्लासिफिकेशन. वो प्लांटों को हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, तो ये ऐसे प्लांट हैं जो वाटर से पोलिनेशन करते हैं. ऐसे ये आपके दूसरा बताया मैंने यहाँ पर हाइड्रोफिली के अंदर. कोई भी प्लांट यदि वाटर पोलिनेशन करेगा तो वाटर की सहायता से उसमें वहाँ पर पोलिनेशन होगा. ये बात क्लियर है. तो इसमें यहाँ पर हमारे दो तीन एग्जांपल है स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेलिसनेरिया, हाइड्रिया और आपका जोस्टेरा. बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जांपल है, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, हाइड्रिला. ठीक है, और आपका एक वाटर लिली भी है इसके अंदर, आपका जोस्टेरा. ये आपके ऐसे प्लांट सीकरासिस के नाम से जानते हैं जिनमें वाटर पोलिनेशन पाया जाता है.
वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। और आपका एक यहाँ पर और भी है, वो तो वाइंड पोल्यूशन मिलता है उसमें। तो कैसे क्या सीन है बेटे इसमें, देखिए जो पोलन ग्रेन होता है वो पानी से खराब नहीं होता। वाटर पोलेशन में देखिए आपका एक प्लांट पोलन ग्रेन पैदा करेगा, पोलन ग्रेन पैदा करेगा, ठीक है, और वो वाटर पोलन गीला होने वेटिंग नहीं होता उसमें, क्योंकि पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं म्यूसीलेज कवरिंग। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसीलेज कवरिंग। पोलन ग्रेन के पास एक म्यूसीलेज कवरिंग पाई जाती है जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती है। हाइड्रोफिलिक हाँ होती है। देखिए मैं एक बार आपको वेलिसनेरिया का एग्जांपल लेके समझाता हूँ बेटे। वेलिसनेरिया के अंदर जो आपका मेल फ्लावर प्लांट होता है वो छोटा रहता है, वो वाटर के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज करता है, पानी के बहाव के साथ वो पोलन ग्रेन जो है फीमेल पार्ट जो ऊपर जो उसका वाटर सरफेस के ऊपर जिसका फ्लावर होता है वेलिसनेरिया का, तो वाटर करंट की सहायता से वो जो पोलन ग्रेन होता है वो फीमेल पार्ट तक पहुँच जाता है। तो इसमें वाटर करंट का यूज होगा, पोलन ग्रेन वाटर में रिलीज होंगे और पानी के बहाव के साथ पहुंच जाएंगे वहां पर, ओके। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया वाटर पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन के लिए दो चार बातें और भी हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसीलेज कवरिंग्स। अब यहां पर सी ग्रासिस जोस्टेरा के बारे में बता रखा है। जोस्टेरा का जो आपका पोलन ग्रेन होता है ज़्यादा पैदा करता है, उसमें जूस नहीं पाया जाता, फीमेल फ्लावर जो होता है वो पानी में डूबा हुआ रहता है और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वाटर करंट की सहायता से पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कुछ जोस्टेरा के बारे में बता रखा था, सी ग्रासिस के बारे में भी बता रखा था, जो मैंने अभी बताया स्टूडेंट आपको क्या क्या कंडीशन थी उसमें पोलन ग्रेन ज़्यादा पैदा होते हैं और जूस भी यहाँ पर नहीं होता, उनके अंदर नेक्टर नहीं होता, ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे फ्लावर होते हैं ये, ओके। अभी अभी स्टूडेंट मैंने एक बात बताई थी कि एक होती वाटर लिली। वाटर लिली के अंदर पोलिनेशन होता है, नाम तो इंडिकेट करता है कि वाटर लिली के अंदर पोलिनेशन जो है वाटर की सहायता से होगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। जो वाटर लिली के अंदर ए मेजोरिटी ऑफ ए प्लांट वाटर हायसिंथ वाटर लिली, इनके अंदर इंसेक्ट और वाइंड पोलिनेशन पाया जाता है फ्लावर अबो द वाटर। वाटर लिली के अंदर जो फ्लावर होता है पानी की सरफेस से ऊपर होता है, तो उसमें वाटर पोलिनेशन न हो के यहाँ पर हमारा इंसेक्ट पोलिनेशन और वाइंड पोलिनेशन होता है। तो ये हमने पढ़ दिया बेटे यहाँ पर हाइड्रोफिली। क्या पढ़ दिया? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की एक कंडीशन थी, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। अब इससे बाद में अगला बता रहे हैं बेटे हम आपका जो वाइंड पोलिनेशन होता है। वाटर पोलिनेशन बता दिया हमने, अब बताने जा रहे हैं वाइंड पोलिनेशन। वाइंड पोलिनेशन स्टूडेंट मक्का में होता है, इस बात का नोट करो बेटा, कॉर्न कोब में होता है, और कॉर्न कोब के अंदर चोटी के अंदर ना टेसल पाए जाते हैं जिसे हम मेल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल पार्ट, जो कि आपका फूल का मेल पार्ट है, ग्रुप में पाया जाता है इनफ्लोरेंस के अंदर। और इसमें सिल्क होते हैं बेटा, छोटे छोटे धागे निकलते हैं जिसे हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। मक्का का एग्जाम्पल है बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर कॉर्न कोब, बहुत ही अच्छा और टेक्निकल एग्जाम्पल है वाइंड पोलिनेशन के लिए। तो वाइंड पोलिनेशन जो है इसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड पोलिनेशन को टेक्निकली, वाइंड पोलिनेशन को बोलते हैं हम एनीमोफिली। तो स्टूडेंट एनीमोफिली के नाम से इसको हम जानते हैं, ओके। वाइंड पोलिनेशन का जो एग्जांपल होता है वो बेटा कॉर्न कोब, कॉर्न कोब मक्का होता है। इस मक्का का जो प्लांट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें बेटा टेसल दिखा रखी है, टेसल दिखा रखी है, और जो टेसल होती हैं वो मेल पार्ट को इंडिकेट करती हैं। टेसल जो दिखा रखी हैं वो फूल के मेल पार्ट को इंडिकेट करती हैं, फूल के मेल पार्ट को इंडिकेट करती हैं टेसल। ठीक है, तो इसमें आप स्टडी कर सकते हो वाइंड पोलिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने बताया कि एक होता है इसमें सिल्क, क्या होता है सिल्क, सिल्क जो होता है वो फीमेल पार्ट को इंडिकेट करता है, जो हमारी टेसल होती हैं
जो हमारी टेसल हैं ये मेल पार्ट को इंडिकेट करती हैं, मेल पार्ट यानी कि स्टैमन को इंडिकेट करती हैं कॉर्नकोब के अंदर। और सिल्क पाई जाती हैं, सिल्क जो होती है मक्का के, जो मक्का का फ्रूट होता है उसमें धागे से निकलते हैं, ये फीमेल पार्ट को इंडिकेट करती है, फीमेल पार्ट यहाँ पर इंडिकेट करती है। ओके, टेसल मेल पार्ट को इंडिकेट करती है, फीमेल पार्ट को इंडिकेट करती है। वाइंड पोलिनेशन कहाँ होगा, पोलन ग्रेन कैसे हैं, स्टेमन स्टिग्मा कैसा है? देखिए वाइंड पोलिनेशन यहाँ पर हुआ है तो इस प्लांट के अंदर यहाँ पर पोलिनेशन है तो पोलन ग्रेन के बारे में बताना ज़रूरी है। तो वाइंड पोलिनेशन तभी होगा जब पोलन ग्रेन आपके लाइट होंगे, हवा के अंदर तैरते हैं, लाइट होंगे आपके, ठीक है, और हवा के अंदर वो तैर सकते हैं, नॉन स्टिकी हैं, उनके ऊपर विंग लगे हुए हैं। पोलन ग्रेन आपके कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी, चिपकते नहीं हैं, नॉन स्टिकी हैं, और आपके जो हैं मैंने आपको बताया अभी अभी लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और हवा में तैरते हैं, तो उनके ऊपर विंग लगे हुए होते हैं, फीदर लगे हुए होते हैं। स्टैमन कैसा है, स्टैमन मेल पार्ट, कार्पल फीमेल पार्ट। स्टैमन मैंने बता दिया वेल एक्सपोजिटेड है, वो मैंने बताया कि मेल पार्ट जो है टेसल के नाम से जानते हैं, वेल एक्सपोजिड है, पोलन ग्रेन को डिस्पर्स करता है, वेल एक्सपोजिड, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड, ओके, हमें साफ साफ दिखाई देता स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर ये बातें हैं, इसमें पोलन ग्रेन कैसा है, मेल पार्ट किस कॉर्न को मनीमोफिली के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट पोलन ग्रेन लाइट वेट के होते हैं, नॉन स्टिकी ड्राई होते हैं, और आपका स्टिग्मा जो होता है वो फिदरी होता है, स्टिग्मा जो है वो फिदरी होता है, बड़ा होता है, पोलन ग्रेन को आपको वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है पोलन ग्रेन को। तो स्टिग्मा के बारे में बता देते हैं, स्टिग्मा कैसा होता है, फिदरी होता है, वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को ट्रैप करता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप करता है, और वो फिदर, फिदरी होता बेटा, ओके, पंख जैसा होता है, पकड़ लेता है। मैंने बताया ना, जो मक्का के अंदर बाहर से जो एक हरे हरे धागे समान, धागे के समान जो जो निकली हुई है ट्यूब, उसको हम बोलते हैं सिल्क, सिल्क फीमेल पार्ट है, ऊपर वाला मेल पार्ट है, इस बात को ध्यान रखें आप। अगला स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट अगला है यहाँ पर इंसेक्ट पोलिनेशन, जिसको हम एंटमोफिली के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है आपका सारा का सारा। इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर इंसेक्ट तभी आएगा जब आपका फूल कलरफुल होगा, उसके पास जूस वाली ग्लैंड्स होगी प्लांट के पास, फूल के पास, तभी आपका इंसेक्ट पोलिनेशन पॉसिबल है। तो इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए भी कुछ अडेप्टेशन है, तो फ्लावर में क्या क्या होना चाहिए इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए, फ्लावर के अंदर कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, इन एनो इनो इनो इंटोमोफिली, एंटोमोफिली, इंटोमोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट ये बताया गया है इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर फ्लावर कैसा हो, फ्लावर तो बेटा कलरफुल हो, कलरफुल हो, ठीक है, जूसी यानी कि नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट हो, नेक्टर ग्लैंड इसके पास प्रेजेंट हो, कलरफुल फ्लावर हो, नेक्टर ग्लैंड इसके पास प्रेजेंट हो, लार्ज हो, लार्ज हो, और इसमें पोलन ग्रेन कैसा होगा, इसके अंदर स्टिकी होना चाहिए पोलन ग्रेन, ठीक है। और अगला मैंने बताया इसमें पोलन ग्रेन के बाद में जो आपका स्टिग्मा है वो भी स्टिकी होगा, स्टिग्मा है वो भी स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। देखिए फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट वाला, खुशबू वाला होना चाहिए, जूस वाला होना चाहिए। इसमें साफ साफ बता रखा है कि बेटा पोलन ग्रेन जो है
वो स्टिकी होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन के पास जो है बता रखे हैं इन्होंने यहाँ पर एग्जाइन लेयर के कारण पोलन ग्रेन सरफेस स्टिकी ड्यू टू द एग्जाइन लेयर, स्टिग्मा भी स्टिकी है क्योंकि उसके पास यहाँ पर म्यूसिलेज सिक्रेशन है। पोलन ग्रेन के पास भी यहाँ पर एग्जाइन लेयर पाई जाती है इंटाइन एग्जाइन, इसलिए स्टिकी है, स्टिग्मा इसलिए स्टिकी है, उसके पास एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम है म्यूसिलेजियस लिक्विड। ओके, तो इंसेक्ट पोलिनेशन को हम एंटमोफिली के नाम से जानते हैं। तो बदले में जो है कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं, जैसे इंसेक्ट ने पोलिनेशन किया इनाम मिलता है पोलिनेटर को, रिवार्ड्स मिलते हैं, रिवार्ड्स फॉर पोलिनेटर, पोलिनेटर जैसे इंसेक्ट ने मधुमक्खी ने पोलिनेशन किया तो उसको कुछ इनाम मिलेगा, रिवार्ड्स मिलेगा पोलिनेटर। तो क्या क्या इनाम मिलता है मधुमक्खी को, उससे जूस मिल जाता है, उसको पोलन ग्रेन खाने के लिए मिल जाते हैं, उसको एग के लिए एक स्पेस मिल जाता है, एग जो है फीमेल जो भी है एग रिलीज करेगी तो उसको एक साइट मिल जाती है। तो यहाँ पर हम रिवार्ड्स के रूप में कह सकते हैं फॉर नेक्टर, नेक्टर मिल जाता है मधुमक्खी को, ठीक है ना, फॉर ले द साइट फॉर ले द एग, साइट फॉर ले द एग, अंडा देने के लिए साइट मिल जाता है। ये किस केस में होता है बेटा, यूका और अमोर्फोफिलस के केस में होता है, ठीक है। यूका प्लांट है, अमोर्फोफिलस जो है आपका वो, यूका तो आपका इंसेक्ट है, सॉरी यूका आपका इंसेक्ट है, ये दोनों का पोलिनेशन होता है। अमोर्फोफिलस जो है आपका सबसे बड़ा प्लांट है, 6 फुट, इसका फ्लावर 6 फुट का पाया जाता है स्टूडेंट, यूका प्लांट है, दोनों के बीच में पोलिनेशन होता है, सॉरी यूका आपका जो है वो एक प्लांट है, एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है मोथ, क्या नाम बेटा, मोथ, इन दोनों के बीच में इंसेक्ट पोलिनेशन पाया जाता है। अमोर्फोफिलस एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर 6 फीट का पाया जाता है। ओके, एक रिलेशनशिप हमने देखा है, एक प्लांट, एक मोथ है, एक प्लांट है, प्लांट यूका है हमारा, मोथ है एक स्पीसीज है, दोनों की साइकिल साथ साथ चलती है, उसी प्लांट पे डिपेंड रहता है हमारा एक मोथ। ओके, उसी के ऊपर एग रिलीज करता है, एग साइट रिलीज करता है। ओके, इसके बाद में हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन नाम से इंडिकेटेड है। जैसे पोलन ग्रेन गिरते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के होने के बाद में मेल गैमेट जो है सिनर्जिड फिलिपोम्स की सहायता से एग के पास जाते हैं। तो पोलन ट्यूब बनती है या नहीं बनती है वो डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन कैसा है हमारा, ठीक है। दोनों के बीच में, पोलन और पिस्टल के बीच में इंट्रैक्शन होती है, तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि ये राइट चॉइस का पोलन ग्रेन है या नहीं है। यदि राइट चॉइस का पोलन ग्रेन है तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, तो इसकी स्टोरी सुनिए एक बार। जो पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर जमा होता है तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, जिससे कि ओवल तक पहुंच जाती है पोलन ट्यूब्स। इसी इवेंट को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। ध्यान से सुने, देखिए पोलन ग्रेन गिरता है पिस्टल के ऊपर तो एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। यदि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है, जो काम हुआ है अब तक दोनों के बीच में केमिकल इंट्रैक्शन, इस इवेंट को ही हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। मैंने एक ये बताया यहाँ पर, यदि पोलन ग्रेन हमारा राइट चॉइस का है, ठीक है, उसी प्लांट का स्पीसीज का है, तो आपकी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है स्टिग्मा, पिस्टल के लिए यहाँ पर कंपटाइल पोलन ग्रेन की चाहिए, हमें राइट चॉइस का पोलन ग्रेन चाहिए। यदि हमारा इनकम्पटाइल पोलन ग्रेन मिल जाता है, ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन आपका पिस्टल के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है। यदि हमारा राइट चॉइस का है तो पोलन ग्रेन की ट्यूब बन जाती है, यदि रॉन्ग चॉइस का है तो वो पिस्टल के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती। पोलन ट्यूब ग्रो करता है स्टिग्मा में, स्टाइल तक पहुंच जाता है यदि राइट चॉइस का है, और वो आपको सभी को पता है कि बेटा एक ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपिल बोलते हैं, माइक्रोपिल्स ओपनिंग की सहायता से, फिलिपोम अपरेटस की सहायता से, सिनर्जिड की सहायता से पोलन ट्यूब्स ओवल्स तक पहुंचती है जहां पर एग पाया जाता है। ओके, तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन नाम से इंडिकेटेड है,
ठीक है, आपका राइट चॉइस का होगा पोलनग्रेन, तभी पिस्टल पोलन ट्यूब को फेवर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, टेक केयर, इसको स्टडी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।